अगले दो दिनों तक महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश रहेगा वर्जित। महाशिवरात्रि को लेकर साफ सफाई के लिए गर्भगृह रहेगा बंद। इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में खुली दुनिया की सबसे महंगी प्रसाद की दुकान। दुकान की बोली करीब 1,72,00,000 रुपए में हुई तय। और मथुरा और वृंदावन को स्वच्छ शहर बनाने की कवायद हुई शुरू। शहर के कूड़े का निस्तारण कर बनाया जाएगा खाद। और श्री अमरनाथ यात्रा की सुगबुगाहट हुई तेज। फरवरी के अंत तक तारीख हो सकती है तय। इस बार 2 महीने की हो सकती है यात्रा। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकाल मंदिर की। उज्जैन में महाशिवरात्रि महापर्व के चलते महाकाल मंदिर के गर्भगृह की चांदी की दीवारें और छत पर लगे रुद्र यंत्र की पॉलिश एवं सफाई करवाई जा रही है। इस बीच मंदिर समिति ने अगले 2 से 3 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित कर दिया है। ये व्यवस्था केवल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेगी। महाशिवरात्रि महापर्व के चलते महाकाल मंदिर के गर्भगृह की चांदी की दीवारें और छत पर लगे रुद्र यंत्र की पॉलिश और सफाई करवाई जा रही है। मंदिर की सफाई के लिए दिल्ली से लोग बुलाए गए हैं, जो दीवार की चांदी के साथ ज्योतिर्लिंग महाकाल की चांदी से निर्मित जलाधारी, बाहर नंदी जी की चांदी निर्मित मूर्ति आदि को भी चमकाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दुनिया की सबसे महंगी प्रसाद की दुकान खुली है। 70 वर्ग फीट की प्रसाद की दुकान की बोली करीब 1,72,00,000 रुपए तय हुई है, जिसके बाद यह प्रसाद की दुकान विश्व की सबसे अधिक कीमत वाली दुकान बन गई है। ये टेंडर राशि खजराना गणेश प्रबंध समिति में जमा की जाएगी, जिससे मंदिर का विस्तार होगा। आपको बता दें कि ये गणेश मंदिर लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मथुरा और वृंदावन को स्वच्छ शहर बनाने की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम प्रशासन ने शहर की सड़कों के साथ ही डंपिंग ग्राउंड को भी साफ रखने की योजना तैयार की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बचने वाले कूड़े कचरे को शहर से बाहर निस्तारण के लिए भेजने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन में 8,00,000 की आबादी है। इसके अलावा 4 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हर साल होता है, जिससे यहां 180 से 200 टन कूड़ा हर दिन निकलता है, जिसको यमुना पार डंपिंग ग्राउंड में पहुँचाया जाता है। हालांकि इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक फ्यूल प्लांट भी शामिल है, इसके बावजूद 50 से 60 टन कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा। नगर निगम की ओर से लक्ष्मी नगर में मौजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट संचालित किया जा रहा है, जो कि शहर के 120 टन कूड़े को 15 टन खाद में तब्दील करता है, जो कि नगर निगम की एक अच्छी पहल है। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसी माह यानी फरवरी के अंत तक यात्रा की तिथियों को लेकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। तकरीबन 45 दिन चलने वाली यात्रा को इस बार 2 महीने कराने की बात कही जा रही है। इस साल 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन है, जिसमें यात्रा का आधिकारिक समापन होता है। इस बीच लंगर संगठनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन यानी साबलो लंगर लगाते हैं और साबलो की ओर से कई सालों से पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट पर 100 से अधिक लंगर लगाए जाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है, जहां भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है, जिसे मध्य महेश्वर और मध्येश्वर के नाम से जाना जाता है। यह पंच केदारों में से एक मंदिर है और यह मंदिर समुद्र तल से 3,497 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर चौखंभा के विशाल पर्वत हैं और पर्वतों के बीच सुनसान वादियों में भगवान शिव का यह मंदिर स्थित है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं और दीपावली के बाद सर्दियों के समय बंद हो जाते हैं। G20 समूह देशों के पर्यटन कार्यकारी समूह के सदस्य इन दोनों गुजरात की यात्रा पर हैं। इस दौरान यहां 9 फरवरी तक एक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सभी मेहमान गुजरात की संस्कृति को भी काफी करीब से देख पा रहे हैं। सभी मेहमान जब यहां पहुंचे तो उनका स्वागत बिल्कुल गुजराती संस्कृति की तरह किया गया। सभी मेहमानों को गुजराती व्यंजन परोसे जा रहे हैं और साथ ही उन्हें गुजरात के पर्यटन स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।